हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, आज चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के अंदर पार्ट 2 यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट द मनी रबर दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। यहां पर बिजनेस के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बताया था, इकोनॉमिक एंड क्या आएगा नॉन इकोनॉमिक। आज बिजनेस की बात करने जाओगे फ्रेंड्स तो ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं। ये खास चीज ये ध्यान रख लेना, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, कोई भी जगह पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो उसके बेस ऊपर यहां पर मैं आपको सबसे मेन चीज बताने जा रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट टाइम मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, हिसाब। नॉर्मली हर जगह पर हिसाब किताब तो मेंटेन रखना पड़े, स्पेशली इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस के अंदर जो आप कोई भी चीज़ में, चाहे वो ट्रांजेक्शन कोई भी हो, बेसिकली यहाँ पर देखने जाओगे तो ट्रांजेक्शन जो भी यहाँ पर हम करते सभी चीज़ों का रेगुलरली मेंटेन करना पड़े। इफ़ यू डू नॉट मेंटेन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस, सो यू कैन नॉट नो द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस के अंदर छोटी से छोटी एंट्री भी ध्यान में रखोगे नहीं तो आपको सही में आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन आपको मालूम पड़ सकती नहीं है कि धंधे में सही में कितना प्रॉफिट हुआ है कि कितना नुकसान, ये ध्यान रखो खास। क्लियर? तो ये खास चीज़ एक ध्यान रखने की है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एक बार देख लेना खास जो भी बताना चाहता हूं यहां पर। अरे डेफिनेशन, अकाउंटिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट, कल मैंने बताया था कि अकाउंटिंग की शुरुआत ल्यूका पैसियोली, जो भी आप सीखते हैं ना वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, जिसने ल्यूका पैसियोली ने ऑलमोस्ट 1494 मैं ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की शुरुआत करी थी। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? एक्चुअली अकाउंटिंग टोटली डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक रूल्स है, वो रूल्स को जो सही तरह से आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक पहली चीज ध्यान रख लेना खास, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। यहां पर एक वर्ड बताने जा रहा हूं, आर्ट। नॉर्मली अकाउंट लिखने वाला होता कौन है? अकाउंटेंट, समझ लो। और वही अकाउंटेंट जो भी ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस के अंदर अकाउंट मेंटेन करता है उसको वेरीफाई करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट करता है, समझ लो सीए जिसको हम बोलते हैं। तो अकाउंटेंट तो आप देखने जाओगे तो अपनी कंट्री के अंदर तो बहुत सारे हैं, समझ लो सब अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, जिसमें जितनी स्किल्ड हो, समझ लेना। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड बताए कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है, समझ लेना। वो आर्ट, वो नॉलेज सबके पास एक समान होता नहीं है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट, समझ लो। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द ट्रांजेक्शन, इंटरप्रिटिंग द ट्रांजेक्शन, बराबर। ये डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, खास ध्यान रख लेना। ऐसे तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट AICPA, क्या बोलना चाहते हो ध्यान रखना,
AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट, जिसने सबसे पहले ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी। इंडिया के अंदर ICAI है, बराबर, ICAI, ये भी मैंने आपको बताया था, ICAI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसने सबसे पहले ये इंडिया के अंदर ये अकाउंटिंग सिस्टम की शुरुआत यहाँ पर करी हुई थी। एक्चुअली जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर, इधर ट्रांजेक्शन की बात करिए, बिजनेस के अंदर तो न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स होते रहते, लेन देन, ट्रांजेक्शन्स का मतलब लेन देन। आज हम कोई भी गुड्स परचेस करते हैं किसी से भी, वो भी वन काइंड ऑफ हुआ क्या, ट्रांजेक्शन। मैंने पैसे दिया, इट इज ऑल्सो अवर ट्रांजेक्शन, समझ लो खास। ओनली गुड्स नहीं, गुड्स एज वेल एज सर्विस, बोथ आर इंक्लूडेड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। दोनों चीज बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो समझना है खास कि अकाउंटिंग है एक आर्ट है, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस, हाउ टू क्लासिफिकेशन, हाउ टू एनालाइज एंड हाउ टू इंटरप्रेट, ये सभी चीज का यहाँ पर मर्ज करोगे ना, तब जाके ये प्रॉपर अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। मैं आपको ए टू जेड क्लियर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रख लेना खास कि अकाउंटिंग यहाँ पर रिकॉर्ड क्यों बन, रिकॉर्ड। आज आपको पता है कि शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि घर के अंदर नॉर्मली कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस, यहाँ पर जो बात करने जाता हूँ खास ध्यान रख लेना, मैं अभी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपके घर के अंदर भी आपके पेरेंट्स घर का बजट जो भी होगा वो मेंटेन करते हैं कि मंथली कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम हुई, बराबर। आप छोटी से छोटी चीज़ बुक के अंदर, डायरी के अंदर रिकॉर्ड करोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ या तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, समझ लो, वो पीरियड जैसे पूरा हुआ होगा, यू कैन नो, समझ लेना यहाँ पर, कि आप जान सकते हो कि भाई आपको सही में कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, जो भी एक्सपेंस होता है वो खर्चा सही तरह से हुआ है कि गलत, कुछ भी हो आप अपनी तरह से बाइफरकेट कर सकते हो। इसीलिए बिजनेस के अंदर भी यही चीज ही है कि आपको छोटी से छोटी चीज को क्या करना पड़े, प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़े। इसीलिए वर्ड बताए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यहां वर्ड क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन, इधर ऐसा वर्ड बताया, रिकॉर्ड करो छोटे से छोटा। एक्चुअली बिजनेस की बात करने जाओगे फ्रेंड्स, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ट्रांजेक्शन की बात करो तो ट्रांजेक्शन्स दो टाइप के होते रहते हैं, बताया था मैंने कल, एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और सेकंड नंबर आएगा बताया था नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और क्या आएगा, नॉन इकोनॉमिक। फ्रेंड्स ये जो इकोनॉमिक की बात कर रहा हूं, ओनली बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड होता रहता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक की बात करो तो इकोनॉमिक के अंदर भी दो ट्रांजेक्शन आते रहते हैं, फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड वन इज क्या आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश और सेकंड नंबर क्या आएगा, क्रेडिट। कैश का मतलब पता ही होगा कि आज मार्केट में कोई भी गुड्स खरीदने जाते हो, बराबर, वो गुड्स का पेमेंट आप ऑन द स्पॉट करते हो, दैट इज वो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। क्रेडिट मतलब क्या, उधार पर किसी से भी आप माल सामान खरीदते हो तो उसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत समझ लेना अच्छी तरह यहाँ पर, कि रीजन ये दोनों के बीच में यही है। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या, इन कैश ट्रांजेक्शन द पेमेंट विल बी डन इमीजिएटली आफ्टर गेटिंग द गुड्स, क्या बोल रहा हूं, द पेमेंट विल बी यहां पर डन इमीजिएटली आफ्टर गेटिंग गुड्स एज वेल एज सर्विस। आज कोई भी गुड्स या तो कोई भी सर्विस आप लेते हो, बदले में आप इमीजिएटली पेमेंट करते हो, सो इट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। बट इन क्रेडिट हियर पेमेंट विल बी डन इन सम फ्यूचर डेट, क्या होता रहता है यहां पर, फ्यूचर में।
ऑन द स्पॉट आज पेमेंट होता नहीं है, खास ध्यान रख लेना। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब उधार हुआ। आज हमने कोई भी जगह पर से गुड्स परचेस करा हुआ होगा, उसका पैसा हम फ्यूचर में कोई भी रिस्पेक्टिव डेट जो भी होगी वो डेट पर उसका पैसा हम चुकाएंगे, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और आज बिजनेस में ये दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन्स चलते ही है मार्केट में। इसमें क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन कब पॉसिबल है ये खास ध्यान रख लेना, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कब पॉसिबल है, जब डेटर, समझ लेना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, कस्टमर, डेटर का मतलब कस्टमर होता है, जब कस्टमर और ट्रेडर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है तब जाके क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। क्या बोल रहा हूँ, आज संबंध, आज सपोज मेरा रिलेशनशिप कोई पर्टिकुलर कोई कस्टमर के साथ है, वो कस्टमर को मैं सही तरह से जानता भी हूँ, तो वो कस्टमर को कोई भी गुड्स उधार पर मैं देना चाहता होगा तो मैं देता हूँ, समझ लेना। क्यों, क्योंकि उसको उधार पर कोई भी गुड्स प्रोवाइड करूँगा तो पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाने वाला है, पेमेंट में कोई रिस्क रहेगा नहीं, इसीलिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। पर आज मैं किसी को सही में यहाँ पर जानता ही ना हूँ तो मैं उसके साथ कभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन मेंटेन करूँगा नहीं, ऑन द स्पॉट पैसा मांगूंगा, भाई माल सामान लेना हो तो ले जा, अदरवाइज छोड़ दे। बराबर, पैसा पेमेंट 100% चाहिए तो आज मैं तेरे को गुड्स प्रोवाइड करूँगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट से खास ये ध्यान रखना। डेफिनेशन के अंदर यही बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग को यहाँ पर एक आर्ट है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड भी जैसे तैसे नहीं करना है, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, बिजनेस की बात करने जाओगे ना तो बिजनेस में इस तरह से चार प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, देख लेना खास जो बोलने जाता हूँ यहाँ पर। गुड्स जो भी होगा, फिर आएगा एक्सपेंस, फिर आएगा इनकम। और अगर गुड्स के अंदर भी दो चीज आवे, आइदर वी कैन परचेस द गुड्स और सेल्स द गुड्स, आइदर वी कैन परचेस द गुड्स और क्या आएगा, सेल। तो ये परचेस, सेल्स, एक्सपेंस खास ध्यान रखना, इनकम, फिर आएगा असेट्स एंड लायबिलिटी। ये चार चीज होती रहती है, ये बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्सपेंस, इनकम, असेट्स एंड लायबिलिटी। बराबर, एक्सपेंस का मतलब खर्च होता है, इनकम मतलब पता है आपको आवक, असेट्स मतलब प्रॉपर्टी समझ लेना, और लायबिलिटी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को भी पैसा चुकाने का बाकी हो दैट इज उसको यहाँ पर लायबिलिटीज बोलते हैं। सब कुछ टर्मिनोलॉजी के अंदर आएगा, मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा, ठीक है। टोटल चैप्टर में 45 टर्मिनोलॉजी है, बराबर, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल ये डेफिनेशन आया इसीलिए आपको बताया कि क्लासिफिकेशन। बिजनेस के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो रिकॉर्ड ऐसे नहीं करना है सभी मिक्स कर दो, ऐसा नहीं करना है, उसको सही तरह से क्लासीफाई करना है कि भाई कौन सा एक्सपेंस ट्रांजेक्शन है, कौन सा इनकम ट्रांजेक्शन है, कौन सा असेट्स ट्रांजेक्शन है, कौन सा लायबिलिटी वाला है। सभी चीज को पहले दिन से ही प्रॉपरली क्या करना पड़े, अलग अलग तरह से उसको क्लासिफिकेशन करना पड़े, ये ध्यान रखना। तो आज क्या होगा कि आप बुक में आपको खुद को पता चलेगी कि भाई एक्सपेंस एक मंथ के अंदर कितना हुआ, या तो ईयरली अपना एक्सपेंस कितना है, ईयरली इनकम कितनी है, वो सब चीज़ों की जानकारी सही तरह से आपको मिल सकती है। इसीलिए आपको छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखना पड़े, जो बोलना चाहते हो वो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बताया हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग, क्लासिफिकेशन का ये ध्यान रख ले। जैसे मैं दूसरे एक एग्जांपल बता देता हूँ, मैंने महेश को गुड्स बेचा, नरेश को भी गुड्स बेचा, रमेश को भी गुड्स बेचा, गणेश को भी गुड्स बेचा, फिर कोई दूसरा मयूर करके, तो मेरे बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स है, समझ लेना। तो सभी कस्टमर को मैं जो गुड्स उधार पर देता हूँ, पार्टली पेमेंट आता है, तो ये सब चीज़ें मैं एक जगह पर एक बुक के अंदर
एक ज अकाउंट के अंदर मेंटेन करूंगा तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड टाइम पूरा हुआ होगा ना, तो वी कैन नॉट नो द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच एंड एवरी कस्टमर। मेरे को खुद को पता नहीं चलेगा कि भी मैंने कौन से कस्टमर को कितना माल सामान दिया, उससे कितना पेमेंट आया, अभी स्टिल कितना पेमेंट बाकी है, वो सब चीज़ों की जानकारी मेरे को नहीं मिलेगी। इसीलिए वी शुड हैव टू सेपरेट ईच एंड एवरी कस्टमर्स अकाउंट्स। हमको क्या करना पड़े, सभी कस्टमर का सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करना पड़े। तो क्या होगा कि जब भी कोई भी कस्टमर अपने पास आवे तो उसको मैं इमीडिएटली उसका अकाउंट शो कर सकता हूँ कि भाई मैंने आपको इतना गुड्स बेचा है, रिस्पेक्टिव डेट पर आपका इतना पेमेंट आया हुआ है, और अभी स्टिल एज ऑन डेट आज की तारीख में आपका इतना पैसा बाकी है। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होगा कि आप जो भी कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करते हो तो गुड्स की डिटेल भी मेंशन करो कि भी क्या चीज़ हमने प्रोवाइड करी है, समझ लेना, उसका मेजरमेंट भी अंदर मेंशन करो वो बुक के अंदर कि जहाँ पर आप हर चीज़ रिकॉर्ड करते हो। सो क्या होगा, इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होवे बिटवीन टू पर्सन, सो वी कैन सॉल्व इट इजीली बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द ट्रांजेक्शन। खास ध्यान रख लेना, एनालाइजिंग इसीलिए करना पड़ता रहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन भले कुछ भी हो पर वो सब चीज़ों को क्या करें, अच्छी तरह इंटरप्रेट करो, अंदर लिखो प्रॉपर, समझ लो बेसिकली कि आज क्या होता रहता है, कल क्या हम जनरली खाते ना वो भी याद रहता नहीं, समझ लो बराबर। तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन न्यूमरस होते रहते हैं, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ को दोनों पर्सन को ध्यान में रहना चाहिए, बराबर। मैं जो बताना चाहता हूँ खास ध्यान रख, इसीलिए एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करो, प्रॉपर इंटरप्रेट करो, अंदर लिखो हर चीज़ कि भाई ये तारीख को ये इंसान 100 kg व्हीट लेके गया, 50 kg राइस लेके गया, 30 kg तुवेर दाल लेके गया, 10 liter वो ऑयल लेके गया। तो ये सब चीज़ें से क्या होगा कि इन फ्यूचर जब वो पेमेंट करने आता होगा ना, तब क्या होगा कि कोई अगर उसको कोई क्वेश्चन हुआ कि भाई मेरे ये 10,000 बाकी है, तो 10,000 किसके बाकी है, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, बराबर। तो हमने सही में इंटरप्रेट करा हुआ होगा ना, तो क्या होगा, सामने कस्टमर को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड बताया हुआ है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। काफ़ी अकाउंटेंट एनालाइज इंटरप्रेट करते भी नहीं है, और जैसे जैसे अकाउंट मेंटेन करते हैं बराबर, इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द गुड अकाउंटेंट, एक अच्छी निशानी नहीं है, समझ लेना वर्ड। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, और ये आर्ट सब में होती नहीं है, ठीक है। तो ये खास ध्यान रख लेना जो मैंने आपको ये डेफिनेशन के अंदर बताया। ट्रांजेक्शन्स तो इकोनॉमी का जो होते रहते हैं, उसमें मैंने कैश और क्रेडिट, ठीक है ना, जिसका पेमेंट ऑन द स्पॉट होता है दैट इज कैश, पेमेंट विल बी डन इन सम फ्यूचर डेट, पेमेंट आज नहीं होगा, कोई भी भविष्य की कोई भी तारीख को यहाँ पर पेमेंट होने वाला, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधारी जिसको यहाँ पर बोलते, मार्केट में उधारी तो हर जगह पर चलती है, 30 days की, 60 days की, 90 days की, बराबर। तो पर एक लिमिट आवे, उसके बाद सामने कोई भी ट्रेडर्स आपको उधार पर बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करे, कोई भी गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा। और मेन आपका व्यवहार, बराबर, व्यवहार मतलब क्या, आपकी रेगुलरिटी बिजनेस के अंदर। आप पेमेंट में जो सही में बहुत रेगुलर होगे ना, तो क्या होगा, बिजनेस बहुत स्मूथली हो सकता है। बट जो आपने अपना काम रेगुलर नहीं करा, तो शायद आपका बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म मेंटेन हो सकता नहीं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपको बता रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, और मैंने जो भी डेफिनेशन के अंदर जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए, खास ये नोटेड कर लेना। फिर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक
के बारे में बताया था कि ओनली बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता रहता है, और वो इकोनॉमिक के अंदर कैश और क्या आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा? कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नॉर्मली तो आपको पता ही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी मीन्स होता है गुड्स, एस मीन्स होता है सर्विस। आज देखो कोई भी व्यापारी, चाहे वो छोटा हो के बड़ा हो, वो जो टी मतलब टैक्स होता है, ये जो टैक्स पे करता है वो किसका भरता है? गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस का वो टैक्स भरता है। इसीलिए दो ही चीज होती रहती है कि जो अपने को ध्यान में रखने की है, गुड्स, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और मेन दूसरी चीज कि जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया था, बिजनेस के अंदर ये गुड्स की बात करो, ये सर्विस की बात करो, तो ये सर्विस और गुड्स के अंदर ये चार चीज़ें आवे, एक्सपेंस, इनकम, असेट्स और लायबिलिटीज। ये ट्रांजेक्शन से ये चार चीज क्रिएट होती रहती है। आज मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई कारीगर काम करता है तो मैं हर मंथ उसको सैलरी प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज अवर एक्सपेंस, ठीक है। दूसरी चीज, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी है, हर प्रॉपर्टी मैंने रेंट ऊपर प्रोवाइड करी है, एवरी मंथ मेरी रेंट की इनकम आती है, भाड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो रेंट इज अवर इनकम, बराबर ध्यान रखना। मेरे पास मशीनरीज है, लैंड, बिल्डिंग सब कुछ पड़ा हुआ है, फ्लैट भी बहुत सारे है, तो मेरी असेट्स हुई, असेट्स, बराबर। और लायबिलिटी मतलब कोई इंसान को चुकाने का बाकी है, मैंने बैंक में से लोन ली है, मैंने अपने फ्रेंड से कोई भी पैसा लिया शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको जो पैसा अभी मैंने, सपोज मेरे फ्रेंड से 10 लाख रुपए लिए, या तो बैंक में से मैंने 10 लाख रुपए लिए, समझ लो, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो 10 लाख रुपए चुकाने का है, समझ लेना, आज नहीं तो थोड़े टाइम के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, तो वो जो पैसा मैंने लिया हुआ है, आइदर वी कैन बोरो फ्रॉम अवर फ्रेंड्स और फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेटिव्स और फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वॉट एवर मनी हैज बीन बोरोड, जितना भी पैसा मैंने लिया हो वो पैसा मेरे को सूद समत चुकाने का है, समझ लेना, दैट इज मेरी लायबिलिटी, बराबर। तो ये सब चीज का आपको सही में बाइफरकेशन मालूम होना चाहिए, क्लियर। तो फ्रेंड्स आज ये आपको डेफिनेशन अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी, बराबर ध्यान रख लेना, वीडियो अच्छी तरह देखना, जैसे आपको हर चीज आपको समझ पड़े, ठीक है ना, बराबर। और जितना हो सके उतना कोऑपरेट करो, बराबर। तो जैसे मैं भी अपनी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पर करूँ, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।